सभी सभी हो चुके चुके हैं, हैं। हैं, भी हम दो-दो बार करके कर तो अभी आपको के सीखने ठीक है जितने भी लेसन हैं, सबके एक्सरसाइजेस अच्छे से कॉपी में उतारने हैं और बाय हार्ट करने हैं क्योंकि एग्जाम बहुत जल्दी शुरू होने वाला है ठीक है तो आपको अच्छे से प्रिपेयर करना है सीखना है जिसके लिए मैं कुछ वर्कशीट भी प्रिपेयर कर रहा हूँ थोड़ा थोड़ा करके जिसमें फिल इन द ब्लैं कर क्वेश्चन रहेंगे ठीक है जो आपको प्रिपेयर करना है आपको आइडिया मिल जाएगा जिसके लिए मैं आपको वर्कशीट भेज रहा हूँ ठीक है ये वर्कशीट आप, आप कॉपी में उतारेंगे और सीखेंगे ठीक है तो यहाँ पे है फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट आंसर्स सो जैसे कि आपको नीचे ऑप्शन दिए गए हैं तो जिसका हेल्प लेके आप ये फिल इन द ब्लैंक्स फिल करने हैं ए डैश इज यूज टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम विंड ठीक है जो आंसर होगा वो आपको क्या करना है ब्लैंक्स में लिखना है ठीक है ए डैश रानस ऑन कोल तो ऑप्शन से कार बस स्टीम इंजन, ठीक है नेक्स्ट है द एनर्जी वी गेट फ्रॉम द सन इज कॉल्ड डैश एनर्जी तो कौन सा एनर्जी है जो हमें सूरज से मिलता है ऑप्शन है थर्मल हाइडल एंड सोलर ठीक है फिर है डैश आर कॉल्ड ग्रीन गोल्ड ग्रीन गोल्ड किसे कहते हैं ऑप्शंस है ह्यूमंस प्लांट्स एंड एनिमल्स तो आपको जो सही लगता है उस पे आप टिक करेंगे ठीक है और कंप्लीट होने के बाद आप मुझे WhatsApp करेंगे ठीक है डियर स्टूडेंट्स मैं रिवीजन टेस्ट भी लेने वाला हूँ ठीक है जैसे रिवीजन कंप्लीट हो रहा है मैं वैसे वैसे आपका टेस्ट भी लूंगा जो ऑनलाइन होगा ठीक है ओके नाउ टिक देक्ट आंसर इसमें है जो सही आंसर होगा उसको टिक करना है सो व्च ऑफ दीज इज दोर्स ऑफ फ्रेश वाटर ऑप्शन है रिवर पॉन्ड रेन ठीक है खुद करना है कंप्लीट किसी बिना किसी के सहायता से क्वेश्चन नंबर टू इन व्च ऑफ दीज स्टेट्स टैंक इरीगेशन पॉपुलर कौन से स्टेट में टैंक इरीगेशन पॉपुलर है पंजाब कर्नाटका और गोवा ठीक है आपको जो सही लगता है उसमें आप टिक करेंगे तीसरा है व्हाट इज ए वॉल बिल्ट एक्रोस ए रिवर कॉल्ड ऑप्शन है रिजर्वियर कैनल डैम फिर चौथा है ऑन द मेथुर डैम बिल्ट कौन से नदी के ऊपर मेथुर डैम बिल्ड किया गया है ऑप्शंस है कावेरी महानदी कृष्णा ठीक है तो आपको जो सही लगता है उसको टिक करेंगे कॉपी में उतारेंगे सीखेंगे और मुझे व्हाट्सअप करेंगे डियर स्टूडेंट्स यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस है जो अलग अलग लेसन से लिए गए हैं ये सभी क्वेश्चंस बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपको लर्न करने हैं ठीक है और ऐसे ही मैं आपको वर्कशीट्स भेजता जाऊंगा आप उसे सीखेंगे प्रिपेयर करेंगे और मैं रिवीजन टेस्ट लूंगा ठीक है ओके यहाँ पर क्वेश्चन है right, तो हमें दो प्रकार रिसोर्सेस के बारे में बोलना है लिखना है और एग्जाम्बल एग्जाम्पल के साथ दो प्रकार के रिसोर्सेस होते हैं एग्जॉस्टिबल रिसोर्सेस एंड इनएजस्टिबल रिसोर्सेज एग्जस्टिबल रिसोर्सेज मतलब जो रिसोर्स खत्म हो जाने हो जाने वाला रिसोर्सेज है एग्जाम्पल है आयरन कॉपर एलुमिनियम ठीक है और इन एग्जस्टिबल रिसोर्स होता है जो कभी नहीं खत्म होने वाला रिसोर्स जो होता है जैसे कि सोलर एनर्जी एयर वाटर प्लांट्स एनिमल्स ठीक है क्वेश्चन नंबर सेकेंड व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एग्जस्टिबल एंड इन

एनी मोर ऑफर्स आर कॉल्ड एग्जॉस्टिबल रिसोर्स ठीक है फिर दूसरा है इन एग्जोस्टिबल रिसोर्सेस ठीक है? है आपको लिखना है, है, रिस। है? है? है सम डू नॉट गेट एग्जॉस्टेड दीज आर कॉल्ड इन एग्जॉस्टिबल रिसोर्सेस फिनिश फॉर एग्जांपल सोलर एनर्जी एयर वाटर प्लांट्स डन नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ आर फॉरेस्ट्स इंपोर्टेंट टू अस व्हाट इज एफॉरेस्टेशन मतलब फॉरेस्ट हमारे लिए इम्पोर्टेंट क्यों है आंसर होगा फॉरेस्ट आर इम्पोर्टेंट टू अस बिकॉज़ दे गिव अस प्योर एयर वुड फ्रूट्स गम एंड मेडिसिनल हर्ब्स ओके एंड म ट्रीज इज यूज टू मेक फर्नीचर पेपर पेंसिल एंड मेनी अदर थिंग्स एंड दे आर होम टू एनिमल्स ओके दूसरा है वट इज एफोरेस्टेशन एफोरेस्टेशन का मतलब क्या है आपको लिखना है सो एफोरेस्टेशन मतलब होता है प्लांटिंग ट्रीज इन एन एरिया जंगल नहीं था उस जगह पर आपने पेड़ पौधे जंगल बनाया मतलब डैम किस तरह से हमारे लिए यूजफुल है सो ए डैम इज कॉल्ड मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट ठीक है इट हेल्प टू जेनरेट हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी इट प्रोवाइड वाटर फॉर इरीगेशन इट कंट्रोल्स फ्लड ओके फिर नेक्स्ट क्वेश्चन इज वाई आर कोल एंड पेट्रोलियम कॉल्ड मिनरल फ्यूल्स, मतलब कोल और पेट्रोलियम को फ्यूल्स किस लिए कहते हैं ठीक है मिनरल फ्यूल किस लिए कहते हैं इसका आंसर है कोल एंड पेट्रोलियम आर यूज एज ए फ्यूल्स एक्चुअली कोल और पेट्रोल जो होता है हम एज ए फ्यूल यूज करते हैं ना कार में डालते हैं फिर कोल से स्टीम इंजन चलते हैं ठीक है इसलिए उसे मिनरल फ्यूल कहते हैं